गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग आवर सिक्स चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस द टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। वी नो दैट प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन is meristematic, which have to ability to divide. Second type is permanent tissue. Permanent tissue don't divide further. Okay, permanent tissue mainly divided into two types: simple and complex tissue. Simple tissue are of four types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and epidermal cell. In our last lecture, we will discuss about parenchyma. Today's topic is collenchyma. They occur in layer below the epidermis. ये layers में present रहती हैं epidermis के just नीचे. In most of the dicotyledons plant. किन में? Dicotyledons plant में. यहाँ पर आपको diagram भी दिया गया है. It is found either as a homogeneous layer or in pitches. कहीं कहीं पर ये homogeneous layers के रूप में present रहती है whole body में, और कहीं पर छोटे छोटे pitches के रूप में, ठीक है। It consists of cell which are much thicker at the corner. और ये corners में थोड़ा ज़्यादा क्या होती है, थीकर होती है। क्यों, किस कारण से होती है? ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। थ्री टाइप्स के सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर साइड में, तो इस वजह से ये थीकर होती है एट द कॉर्नर। कोलेनकाइमा सेल में बी ओव्यूल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑप्टेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनका जो शेप होता है वो ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल, और इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। द सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और ये सेल क्या करती हैं, ये फूड को एसिमिलेट करती हैं जब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो एब्सेंट रहता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट। जितने भी ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का इनका काम होता है। सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। इनमें ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थर्ड टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विच थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पिट्स। अगली जो सेल है वो है स्क्लेरेनकाइमा, जिनकी सेल्स लॉन्ग नैरो होती हैं और जो थिक होती हैं, लिग्निफाइड सेल हैं, सेल वॉल इनमें पाई जाती है और इनमें छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनमें कोई भी जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, मेनली ये डेड सेल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आइदर फाइबर्स और स्केलेराइट्स। ओके, ये अगर हम बात करें वेरिएशन की इनके फॉर्म में, इनके स्ट्रक्चर में, ओरिजिन में या फिर डेवलपमेंट में, तो मेनली दो टाइप्स की होती हैं, फाइबर्स और स्केलेराइट्स। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड। फाइबर कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, इलॉन्गेटेड होती हैं एंड पॉइंटेड सेल। और कैसी सेल हैं, पॉइंटेड सेल हैं, एक
दोनों एंड में क्या होती है, पॉइंटेड होती है। जनरली अकर इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में अकर होती है इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। स्क्लेराइड्स आर स्पेरिकल शेप की होती हैं, ओवल शेप की या फिर सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। हाईली थिक एंड डेड सेल हैं विथ वेरी नैरो कैविटीज, और इनके अंदर बहुत छोटी छोटी नैरो क्या होती हैं, कैविटीज पाई जाती हैं, इनको ल्यूमेन बोला जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट और ट्यूलिप ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सेपोटा, सीड कोड ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, इन सब में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों में, फ्रूट वॉल ऑफ नट में, ट्यूलिप ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा में, पियर और पेयर में भी ये पाई जाती है, और सपोटा में भी ये पाई जाती है, सीड कोड में पाई जाती है, लेग्यूम्स के लीव्स ऑफ टी में भी ये पाई जाती हैं। स्केलेरन काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स को क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर के बने रहती हैं, एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, लेकिन इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, सेम फंक्शन होता है। इनके दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्ट टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, रूट से वाटर को, रूट का वर्क है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, जाइलम का है। ठीक है, ये रूट से स्टेम और लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करती है अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। इट इज़ कम्पोज ऑफ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, नेमली चार टाइप के जो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर के बनी होती है, जिनका नाम है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, फोर टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स, और लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनमें वेसल्स अब्सेंट रहती है। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, ट्रैपिंग एंड्स। और अगर हम बात करें ट्रैकेट्स की, तो ये क्या है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल है जिसके पास लिग्निफाइड वॉल हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल एंड ट्रैपिंग एंड है। ठीक है, दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, जिनके आप प्रोटोप्लाज्म और अब्सेंट रहते हैं और ये डेड सेल हैं। इन इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच इज वेरी इनफॉर्म, और जो इनकी इनर वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होती है, कहीं पर ज़्यादा मोटी होती है, कहीं पर कम मोटी होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं वाटर वाले फ्लावर वाले, उनमें ट्रैकेट्स और वेसल्स ही मेन वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाले एलिमेंट हैं। वेसल्स अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन, ईच विद लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनमें प्रेजेंट रहती है। तो सेंट्रल कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पर भी अब्सेंट रहता है। वेसल्स मेम्ब्रेन एंड इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन
इन देयर कॉमन वॉल, इन ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं, इनकी जो इनर वॉल है, जो वॉल है कॉमन वॉल, वो आपस में कनेक्टेड रहती है। दे प्रेजेंस ऑफ वेसल, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट रहती है, जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट रहती है। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल, जाइलम फाइबर्स की जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, एंड ओविलेटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन्स, दे में आइदर बी सेप्टेट और असेप्टेट टाइप की, दोनों टाइप की इनमें सेल पाई जाती हैं, सेप्टेट या असेप्टेट। जाइलम पेरेन्काइमा सेल आर लिविंग, जाइलम पेरेन्काइमा जो सेल होती हैं वो लिविंग होती हैं, और इनकी जो वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है, सेल सेलुलोज की बनी रहती है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिंस। तो इन इनमें जो फूड स्टोर रहता है वो या तो स्टार्च के रूप में, या फिर फैट के रूप में, या फिर टेनिंस के रूप में स्टोर रहते हैं। टेनिन आप जानते होंगे, कुछ प्लांट से आपने गौज जैसा पदार्थ निकलते हुए देखा होगा, उसे ही कुछ में रेनिन निकलता है, कुछ में टेनिन निकलता है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा प्लांट के स्टेम में, उसके रूट के पास। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल, जो लगातार जो वाटर को अंदर लेने का काम है और उसको ले जाने का काम है वो कौन करता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल करती है। प्राइमरी जाइलम इज आर टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। बात करें अगर हम प्राइमरी जाइलम की, तो वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो जाइलम फर्स्ट में बनता है प्लांट के जब ग्रो करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम, लेकिन जो बाद में फॉर्म होता है जाइलम उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। इन द स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, प्रोटोजाइलम हमेशा सेंटर की ओर होता है स्टेम में, ठीक है। एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ओरिजिन ऑर्गन्स, सॉरी ऑर्गन्स के पेरीफेरी रीजन में, उसके जो बाहर वाला रीजन है वहाँ पर उसका मेटाजेलम पाया जाता है। इन द स्टेम दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जेलम इज कॉल्ड इंडार्च, और इस टाइप का जहाँ पर प्रोटोजाइलम सेंटर रीजन में पाया जाएगा और उसके जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ पर को, अगर वहाँ पर उसका मेटाजाइलम है तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एंडार्च बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है रूट में, द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड पेरिफेरल रीजन। हाँ, अगर हम रूट को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरी रीजन में पाया जाता है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी पोजीशन सेंटर की ओर होती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सार्च, ठीक है, एंडार्च और एक्सार्च यही होता है। नेक्स्ट इज फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट। ये इसका जो काम है फ्लोएम का, जो फूड प्रिपेयर होता है लीफ के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करना अदर पार्ट जो है प्लांट के वहाँ तक। फ्लोएम इज इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, अ फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फुल फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर चार टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं एंजियोस्पर्म के पास। यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ट्यूब एलिमेंट्स, सीप ट्यूब एलिमेंट्स और फ्लोएम फाइबर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की,
तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास एल्बुमिना सेल और सीव सेल से ही पाए जाते हैं, ठीक है। दे लेक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, यहाँ पर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स वहाँ अब्सेंट रहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एसोसिएटेड, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है। देयर एंड वॉल आर परफॉर्म इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट। अब मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेसेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल पर लेग्स ऑफ अ न्यूक्लियस। इन अगर हम बात करें सीव एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लार्ज वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर अब्सेंट रहते हैं। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो उस सीव ट्यूब्स का जो वर्क होता है उसको कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल्स से ये मिलकर की बनी होती हैं। अभी आपने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो जो कंपेनियन सेल हैं वो बनी रहती हैं पैरेन्काइमा सेल की, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाई पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। और कॉमन कंपेनियन सेल और जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं पिट फील्ड से, जो प्रेजेंट रहते हैं किसके बीच में, जो उनके बीच की जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसमें वो प्रेजेंट रहते हैं। कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। इनका जो काम है वो प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखना सीव ट्यूब के अंदर। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके बाद डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है एंड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी इनके पास प्रेजेंट रहता है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पिट पिट्स थ्रू विच प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शंस एक्सिस्ट बिटवीन द सेल। और यहाँ पर इनके बीच में एक कनेक्शन भी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। द फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन। तो ये जो इनका जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, कुछ और सब्सटेंस को भी जैसे रेजिन, लैटेक्स और म्यूसीलेज, इनको भी ये स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडन्स में, ये अब्सेंट रहती है पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, और जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर की बने रहती हैं। दीज आर जनरली अब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट रहती हैं बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट रहती हैं। दे आर मच एलोंगेटेड, दे आर मच एलोंगेटेड अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स एपिसेस, ठीक है। इन ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, एलोंगेटेड अनब्रांच्ड होती हैं, और इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस के रूप में दिखाई देते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्विक थिक, फ्लोएम की जो सेल वॉल है वो काफ़ी मोटी होती है। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज द प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड।
जब क्या होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो उसके बाद जो इनका प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो जाता है, वो अपना प्रोटोप्लाज्म खो देती हैं और क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हैम्प आर यूजुअली कॉमर्शियली। तो जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे जूट, फ्लैक्स और हैम्प, इनका यूज़ रस्सी वगैरह बनाने में किया जाता है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज रिफर टू प्रोटो फ्लोएम। जो फॉर्म होता है प्राइमरी फ्लोएम, उसके पास क्या होते हैं, नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नैरो सीव ट्यूब्स उनके पास होती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है प्रोटो फ्लोएम। एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर सीव ट्यूब्स। जो बाद में बनने वाली जो फ्लोएम होती है उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब्स बिगर बिगर होती हैं, बिगर साइज़ की, तो उन्हें मेटा फ्लोएम बोला जाता है। तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।